हाय एवरीबॉडी, मैं हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज आंशलिका एंड यू आर विद मी ऑन माय यूट्यूब चैनल. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन आर्टिकल 14. तो आज हम आर्टिकल 14 के बारे में बात करेंगे. एंड डोंट वरी, द लैंग्वेज विल बी बायलिंगुअल. मैं बार बार ये मत सोचिएगा कि भैया टाइटल इंग्लिश में दिया हुआ है तो सब कुछ इंग्लिश में होगा. नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. भाई हम अन इंडियन हैं तो थोड़ा हिंदी में बात करते हैं. तो आज का मेजर टॉपिक, सो द मेजर टॉपिक इज़ आर्टिकल 14. एंड आर्टिकल 14 का पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. तो आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका है एंड वो काफ़ी बुकिश था. सो उसमें मैंने सिर्फ एक डेफिनेशन शेयर करी थी आर्टिकल 14 के बारे में. बट आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसे. थोड़ा डिटेल में नहीं, मतलब डिटेल में ही देखेंगे. और थोड़ा डिटेल कुछ नहीं होता, डिटेल होता है. तो उसमें हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है. जो हमारे कॉन्सेप्ट जो फंडामेंटल राइट के लिए गए हैं वो कहाँ से ओरिजिनेटेड है. आर्टिकल 14 के कॉन्सेप्ट कहाँ से ओरिजिनेटेड है. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. जैसे कि आज मैंने आपसे बोला कि आज हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की. और मैंने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मैं आज आर्टिकल 14 के बारे में बात करूंगी. तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है. और प्रियम्बल हमारा हमें क्या प्रॉमिस करता है? प्रियम्बल हमें प्रॉमिस करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की. तो वही है आज हमारा आर्टिकल 14, उसी के बारे में. सो वैसे तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ स्टेट करता है. ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही आता है. सो इट सेज, अब मैं पहले थोड़ा बुकिश बोलूंगी ताकि आपको समझ में आए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है दैट द स्टेट शेल नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू एनी इंडिविजुअल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो रह रहा है, जो इंडिविजुअल रह रहा है, उसे हमारा हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या गारंटी करती है? वो ये गारंटी करती है दैट यू शुड बी ट्रीटेड इक्वली. आपको एक नज़र से एकता के साथ व्यवहार किया जाएगा और ट्रीट किया जाएगा. आर्टिकल 14 है वो एक बेसिक फंडामेंटल राइट है जो कि गारंटी किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. एंड इसे सेफगार्ड भी किया जाता है. अगर आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है और समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है तो ये नल एंड वॉइड कहलाएगा एक तरीके से. तो अगर आप इसे डीपली समझेंगे तो आपको उसमें थ्री मेजर कीवर्ड्स मिलेंगे. तो वो थ्री मेजर कीवर्ड्स क्या हैं? द फर्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये फर्स्ट मेजर कीवर्ड हो गया. सेकेंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये सेकेंड मेजर कीवर्ड हो गया. एंड थर्ड इज एनी पर्सन. तो एनी पर्सन से इसमें इसमें मतलब क्या है? सिटीजन, फॉरेनर्स और या नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया. तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट हैं इस आर्टिकल की. अब हम एक एक करके इन चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें तीन मेजर कीवर्ड्स हैं. सो जो पहला की मेजर कीवर्ड है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं. वो कैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं हम ये देखेंगे. तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो आता है हमारे ब्रिटिश ओरिजिन से. ब्रिटिश ओरिजिन से मीन्स इंग्लैंड से. सो दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटिश ओरिजिन. जो हमारा कीवर्ड है और जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट मैं नहीं कहूँगी, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो ये कहता है दैट एवरी पर्सन, चाहे वो कोई भी हो, मतलब एक गरीब हो अमीर हो, उसे कानून के सामने इक्वली ट्रीट करना चाहिए. उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, नो, दिस कैन नॉट बी हैपन बिकॉज इट हैज़ बीन गारंटीड बाय आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और अगर ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही है, ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है, तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो नल एंड वॉइड कहलाएगा. सो द कॉन्सेप्ट दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटिश ओरिजिन, फर्स्ट मेजर पॉइंट. एंड ये क्या गारंटी करता है? ये गारंटी करता है कि हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाए कानून के सामने. चाहे अगर गलती एक अमीर इंसान से हो, चाहे गरीब इंसान से हो, चाहे किसी से भी हो, वो कानून की नज़र में एक समान है.
जो हमारा कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ वो इंस्पायर्ड है या लिया गया है रूल ऑफ लॉ से, एंड जिसे प्रपोज किया था एक ब्रिटिश जूरिस्ट ने जिनका नाम है एवी डाइसी। तो एवी डाइसी की ही रूल ऑफ लॉ से ये एलिमेंट्स लिए गए हैं। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम वन ऑफ द फेमस ब्रिटिश जूरिस्ट जिन्होंने प्रपाउंड किया था क्या रूल ऑफ लॉ, उससे ये चीज़ें एलिमेंट्स लिए गए हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि उस लॉ के थ्रू आपको इक्वली प्रोटेक्ट किया जाए। नाउ आ सेकेंड मेजर कीवर्ड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको समानता का अधिकार दिया है कि आपको इक्वली प्रोटेक्ट किया जाए कानून के द्वारा, तो जो ये कॉन्सेप्ट था वो हमारा इंस्पायर था यूएसए से, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर था और इसे लाया भी वहीं से था। वैसे तो हमारा जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है वो भी यूएसए से ही इंस्पायर्ड है, एंड अगर हम ये भी देखें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को तो वो भी वहीं से इंस्पायर्ड है। तो आपको अगर किसी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे सर्कमस्टांसेस आपके विरुद्ध जा रहे हैं या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आप अपने आप को सेफ गार्ड नहीं कर सकते हैं, सो यू हैव द राइट दैट यू कैन गेट इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉ। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इन आर्टिकल 14 दैट यू शुड बी प्रोटेक्टेड, मीन्स चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो चाहे कोई भी हो, दैट दे हैव द राइट फॉर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उन्हें सेफ गार्ड किया जा सकता है हमारे कानून के द्वारा। तो जो हमारा थर्ड मेजर कीवर्ड है वो है एनी पर्सन, और एनी पर्सन से मतलब होता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉन सिटीजन, कि वो अगर भारत का नागरिक है या नहीं है उसे भी ये समानता का अधिकार दिया गया है दैट दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ। तो आज जो मैंने आपसे शेयर किया वो आर्टिकल 14 से रिलेटेड था, और जो कि हमारे एक फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि हमें गारंटीड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। सो दिस वॉज दी टॉपिक दैट आई हैव डिस्कस्ड, एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिएगा एंड लाइक भी करिएगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं बार बार बोलती हूँ बट यू हैव टू, सो ताकि आप सबको ये चीज़ें मिल सकें जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। लिमिटेड रीजन तक बस नहीं रहिए और लोगों तक पहुँचे ये चीज़, एंड इफ़ यू वॉन्ट समथिंग एल्स फ्रॉम मी, मीन्स लाइक कोई और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो यू कैन कॉमेंट ऑन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरी वन, स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल।